जो ना महीना में एक बार दो बार, एक दो महीना सही चलता है काम, बाद में तो फिर ऐसे ही रहता है। गर्मी का सीजन में काम चलता है, अभी तो ठंडी आ गया, अभी थोड़ा ठंडी बहुत आ चल रहा गया। है। 1,000-1,500 आ जा रहा है महीने का। वो मुश्किल है, 1500 तो आना ही आना है। आए इस तो लाइन घूम के जो आप लोग उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया हो गए। और ये देखो कहाँ पर हैं हम, छत पे आए हैं अभी और एसी का काम हो रहा है कपिल के भाई के घर पे, तो वहीं पर हैं। और भैया के नेपाल से हैं, ऊपर गए हैं। चलो ले चलते हम भी तुम लोग को ऊपर। ये देखो, अरे भाई ये देखो नज़ारा है यार तेरी। यही लग रहा है देखो, जी और रे बाहुबली। देखो भैया आधा काम फाइनल कर दिए हैं, आधा काम नीचे हो रहा है ना भैया। भैया अपना औजार निकाल लिए हैं। बहुत मेहनत है रे भाई, एसी में बहुत मेहनत है। हेल्प कर रहा हूँ मैं भाई को, का देखो इतना ऊपर अकेले लेके चढ़ना पड़ता है। देखो इस सीढ़ी पे लेके आना है, देख लो इस सीढ़ी से लेके आना है और इतना ऊपर लगाना है। दिक्कत नहीं है। दिक्कत हो जाएगा ना, बोलेगा यार मस्ती में काम करा ये बोल रहे हैं। सही बात पकड़े हैं। चूड़ी काट रहा है। टेक्निक है भाई गजब का। तो अभी इसमें से निकलेगा नहीं। आज जुम्मा था यार, फटाफट करना है। खमीस है कल। आज खमीस है न, कल है। आज खमीस है, कल जुम्मा है। वही तो, आज जल्दी जल्दी काम करके रूम जाना चाहिए। कल छुट्टी रहेगा। कल तो छुट्टी रहेगी। ऊपर जो लग रहा था वो उसका कनेक्शन यहाँ पे आया और यहाँ से फिक्स लग गया ये, और एक इधर लग रहा है अभी।
कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे ना। कर लोगे लेकिन बहुत अफठार होगा, मुश्किल हो जाएगा। वही ना, ऊपर इतना ऊपर ऊपर जाना पड़ता है मशीन देखा ना, सामान है बोलो वो, मशीन मशीन सब देखा पहले हूँ, कांधा को उठाना पड़े, उठा के दे कांधा से दे, ले जाना पड़ता है। इसके उठा के इसके फेंकना है। ये इतना भारी है देखो, 80 किलो ये वजन होगा इसको, 85 किलो। 80-85 किलो वजन है आज भैया, सीलम पे चढ़ना पड़ेगा कांधे पे लेके। मैं वो बता रहे कहाँ कितना ऊपर तक, बताइए आप बताइए। इन लोग जाने एसी में काम करते हैं, इन लोग आप लोग सुन लो, इस पे कितना, एक सिलम है एक फोल्ड में रहता है तो इस पे मतलब आ जाता अकेले है। उठा के ले जाना, ये नहीं कि उसको 3-4 लोग पकड़ के ले जाएंगे। नहीं, काम करने के लिए एक दो लोग आते हैं, और दो देखो ये लोग आते भैया हैं, हैं। अकेला है ये 12 है तो उठा के कंधा पे फेंक देगा, आप कंधा पे उठा के रख सकते हो। नहीं अगर आप, अगर अच्छा फनी मिला है तो अपना हेल्प कर सकता है, वो भी तो उठा के थोड़ा फेंक सकता है। हाँ लेकिन चाहे बहुत कोई ऐसा है मिल ना, उल जाता है तो हाँ बस कुछ करा ऐसा देता होता है है। ना, हरामीपन होता है, वो बोलता है मैंने उठा गया तुम्हारा काम है तू उठा, ऐसा होता है। लेकिन ये काम उसाद को आता है, आप फनी हो, फनी बन जाओगे तो थोड़ा हल्का वो रहेगा, मुश्किल नहीं है। बहुत अंदर का काम रहेगा तो मुश्किल नहीं आएगा उतना, वही बाहर चीज। का काम आएगा तो मुश्किल ए आएगा। भैया ऐसे का ही काम करते हैं, अभी आए यहीं पे काम करने के लिए, तो मैं सोच रहा हूँ कि बता दो तुम लोग को, इनके मुंह से तुम लोग सुनोगे तो विश्वास होगा। अब हम कहेंगे तो कहेंगे कि लोग ये कहा तो सही बोल रहा है कि तू जाके कमा रहा है भाई, हम लोग को सिखा रहा है। तो इसलिए भैया से आप लोग को डायरेक्टली मिलवा दिए। सैलरी क्या मिल रहा है बारह आपको? सौ 1200 रुपया है सैलरी 1200 है मिला जुला के, तो काम कभी करते 1800 हैं, कभी 2000 कभी मतलब 2500 बन है। जाता है हिसाब, तो उसके हिसाब से रहता है काम, उनके हाँ हिसाब से। काम के, अभी ठंडी आया ना, अभी काम नहीं चल रहा, अभी वही दो तीन मशीन लेके घूम रहा हूँ। तो वही अभी देखिए यहाँ पे आए तुम लोग। समझो ना, महीना में एक बार दो बार, एक दो महीना सही चलता है काम, बाद में तो फिर ऐसे ही रहता है। गर्मी का सीजन में काम चलता है, अभी तो ठंडी आ गया, तो अभी थोड़ा ठंडी बहुत आ चल रहा गया है, 1500 आ जा रहा है महीने का। वो मुश्किल है, 1500 तो आना ही आना है, इस टोटल लाइन मिला के 1500 सोलह पंद्रह सौ सौ तो अठारह सौ सोलह हो ही सौ रुपये जाएगा 1800 हो ही जाता है, मतलब दिन में कितना अगर काम आप पड़ चाहें। जाता है? हाँ दिन में 4 5 10 भी मिल सकता है, 5 भी मिल सकता है, 3 भी मिल सकता है, तो जितना काम काम आएगा करने काम के पर। हिसाब से मिलता है कि मतलब हाँ नहीं एक मिल मशीन सकता? लगाएगा तो 5 रियाल अच्छा सात रियाल मतलब देता मशीन है। लगाने के ऊपर है, जितना हाँ मशीन वो लगेगा ऊपर उस है, हिसाब से हाँ महीना उठेगा। उठेगा। अच्छा अभी देखो इन लोगों को यहाँ पे टाइम वेस्ट हो रहा है, अभी कपिल में रहा ही नहीं, आगे तब से ये लोग घूम रहे हैं। आ देखो कितना भारी है भैया, बता रहे हैं कि अकेले कंधा उठा के ले जाना पड़ता है, तो बहुत मुश्किल है भाई, सब कोई नहीं कर पाएगा ये कांधा सब। हिल जाएगा, नहीं होता है। और खर्चा बता दीजिए कितना लगा था आने टाइम आपका? मैं तो आया था तो 2,20,000 लगा था, 2,20,000, दो 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 हजार हजार बीस बीस हजार हजार नेपाल से आए थे भैया अपने करीब के हैं कुछ, ये यूट्यूब पे तो जानते ही होंगे, यूपी हम लोग जानते हैं भाई, हम लोग उधर तक जाते पनियावा हैं उनियावा। पनियावा, वहाँ क्या जगह दिए स्टेशन तक, हम लोग गए हैं काम हाँ तो ये करने के अपने ही लिए तरफ के इंडिया देखो, में, अभी नेपाल हम के लोग हैं यूपी से आते जाते थे। तो हाँ नेपाल का थोड़ा सा महंगा लगता है, और वहाँ सरकार इतना भेजती भी नहीं है उन सब काम में, और बाकी इंडिया में जो आते हैं लोग उन लोगों का तो थोड़ा सा बहुत सही रहता है, इतना भी नहीं, लेकिन मेहनत का बहुत काम है। अभी तुम लोग ये समझ रहे हो कि सूट वूट पहन के जूता सूता पहन के काम करना पड़ेगा भाई वहाँ कभी पर, कभार ऐसा लगता है कि भाग जॉब छोड़ के काम, मान में आप फंस गया है तो क्या करो, करना वही पड़ता है। करना पड़ेगा, फंस गया तो आदमी क्या करेगा, आने का टाइम आने के बाद यही सोचता है यही सब नहीं है कोई। कि हम यही इसी पे रख रहे हैं, और डेंजर भी काम आता है इसका, कई तरह का सिकाला काम भी आता है, सिकाला जो है ना फोल्डिंग, इसका फोल्डिंग लगा के दो तीन तला वो भी आता है कि उस पर चढ़ाना पड़ता है मशीन, इतना इतना मुश्किल भी आता है। कभी दुलाबी भी रहता है जो 1 कुंटल 10 किलो 20 किलो का आता है, तो वो सब तो क्रेन से भी उठा लेता है, नहीं तो आदमी देगा फिर, वो तो, ऐसा और है। हो कई जगह काम होता रहता है, मशीन रहता तो हो जाता है, नहीं तो खुद ही करना पड़ता होता ना। नहीं नहीं होगा तो खुद करना पड़ेगा उठा। तो आने से पहले इन लोगों को समझा दिया आप लोगों को, अब आप लोग देख लो आने से पहले, मेहनत का बहुत काम है, ये नहीं है कि इसमें हाँ बस। मेहनत करेगा पैसा हाँ होगा, मेहनत मुश्किल कोई भी काम में आ रहा हो यहाँ पे, मेहनत करना पड़ेगा, फिर ही भजेगा रियाल, नहीं तो नहीं भजेगा। कहीं पे भी मेहनत ऊपर जो करेंगे। लग रहा था वो उसका कनेक्शन यहाँ पे आया और यहाँ से फिक्स लग गया ये।